सो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही यूजफुल जानकारी देने वाला हूँ। जैसा कि कभी काल होता है कि जियो में आप अगर सपोज 599 का रिचार्ज करा देते हैं, उसके बाद 399 का रिचार्ज गलती से करा दिए, या फिर अगेन जो है 599 का रिचार्ज 2 बार करा दिए, क्योंकि आप अगर कर रहे हैं मे बी आपको लगा कि फेल हो गया रिचार्ज, आप दोबारा से कर दिए, मे बी आपको लगा कि फेल हो गया रिचार्ज, आपका रिटर्न आ जाएगा, बट 2 बार गलती से हो गया, तो इस केस में क्या होगा? तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो फर्स्ट रिचार्ज जो था जो है वो कंटिन्यू रहेगा, और सेकेंड टाइम जो गलती से रिचार्ज कर दिए थे उसको ख़त्म होने के बाद वो अप्लाई हो जाएगा। ऐसा मैं जो है कस्टमर केयर से जो इन्फॉर्मेशन मिला उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। मैं आपको इसका क्लिप भी मैं आपको सुना दूंगा, आप क्लिप आप देख सकते हैं, ऑडियो क्लिप। तो आप ये बोल रहे हैं कि अगर ये तो सही हो गया, ये करेक्ट है, ठीक है, मैं समझ गया। हाँ हाँ, बट आप ये भी बोल रहे हैं कि अगर 2 बार अगर रिचार्ज हो जाता है एक नंबर पे, क्योंकि वो कि अगर आप एक से मल्टीपल रिचार्ज ज्यादा हो जाते हैं ना, तो फर्स्ट वाला ही प्लान आपका एक्टिवेट रहेगा, दूसरे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्यूर प्लान में, मतलब कि कतर में चले जाएंगे। जो फर्स्ट वाला प्लान डीएक्टिवेट मतलब कि एक्सपायर हो जाएगा, तब वो वन बाय वन एक्टिवेट होगा। राइट तो आप 10, 15, 20 जितने भी रिचार्ज करवाते हो वो क्यूर प्लान में चले जाएंगे, उसमें आपको कोई लॉस नहीं जाएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, वैलिडिटी बढ़ जाएगी। और ये वैलिड होगा उस केस में भी जब सपोज दैट एक प्लान 330 में भी फाइव कोई भी 599 का और एनी 399 का, ठीक है, तो इस केस में भी ये वैलिड रहेगा, राइट? यस, एनी रिचार्ज। ओके, ऑल राइट। और कोई जानकारी? नो, थैंक यू वेरी मच। ओके, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। जियो में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। तो बात किया था तो मुझे यही जानकारी मिला, तो मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। आप थैंक यू पर...